हल्द्वानी में एक तेज रफ्तार कार ने एक बीए के छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सेना में भर्ती की तैयारी की दौड़ लगा रहा था। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय चंदन सिंह रौतेला मूल रूप से नौगांव भनोली अल्मोड़ा का निवासी था और इस वर्ष हल्द्वानी MBPG कॉलेज में BA प्रथम वर्ष का छात्र था। साथ ही वो आर्मी की तैयारी कर रहा था। परिजनों ने बताया कि पिछले सप्ताह से देवबंधु बिहार रामपुर रोड में अपने दोस्त विक्की के साथ रह रहा था। सोमवार सुबह चंदन अपनी रोज की दौड़ के लिए निकला था। जैसे ही वो गंगू ढाबे के पास पहुंचा, तभी अचानक रुद्रपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा नंबर की कार ने उसे रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल चंदन को तत्काल सुशीला तिवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक के भाई आनंद सिंह रौतेला ने मामले में तहरीर सौंपी है। बताया जा रहा है कि चंदन के पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, जबकि घर में तीन बहनें और मां के अलावा एक बड़ा भाई है, जो लखनऊ में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत भाग गया। हालांकि आसपास के CCTV फुटेज से गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया गया है।